केएनबी इतना सम्मान दिया, इसकी आदत नहीं मुझे। आप सभी को नमस्कार, मैं यूट्यूब चैनल से जसवाल माँ। अभी कर रहा हूँ मैं नाश्ता और इसके बाद मुझे निकलना है एक फंक्शन में जहाँ पे मम्मी भी मेरे साथ आ रही हैं और साथ में बाहर इतना बढ़िया मौसम हो रखा है, अभी एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही है। लेकिन मैंने कल रात गाड़ी धोई थी, कुछ फायदा नहीं हुआ। कल रात इतना आंधी तूफान आया है, कुछ फायदा नहीं हुआ गाड़ी धोने का, सारा धूल लग गया उसमें। तो पिछली बार भी ऐसी हुआ था, इस बार भी ऐसी हुआ। चलो अभी फिलहाल नाश्ता कर लेता हूँ मैं, क्योंकि थोड़ा लेट हो रहा हूँ, उसके बाद निकलना भी है। अरे एक एक पैराग्राफ कर दो बस, अरे कुछ भी कर दो जो आता है। हाँ बस मेरा लगा, मेरा लगा। हाथ में कंगन कान में झुमका भले छाजी रे,
तेरी कोई मुखड़ी ए तेर प्यारी मुखड़ी ए तेर कोई मुखड़ी भली लगी रे हे तेर कोई मुखड़ी हे तेर प्यारी मुखड़ी ए तेर कोई मुखड़ी भली लगी रे तेरी खुटू पे जाबी कपाई बिंदुली भली छाजी रे माठू माठू हिटना मुल मुल हसना कित कित बुलाना भली। तो अभी बहुत सारा डांस करने के बाद अब यहाँ पे जो एकेडमी के ओनर्स हैं उनसे मिल लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैम, हाय, मैं बबीता कुकरेती। हेलो, मैं किरण कुकरेती। और हम लोगों ने अभी अभी न्यू डांस अकेडमी खोली है, आप लोगों का सपोर्ट चाहते हैं। मैं दिल से आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, आप लोग यहाँ आए और हमारी अकेडमी अच्छी चलिए, आशीर्वाद दें। थैंक यू सो मच। अच्छी चलेगी। शिवाय ससवाल जी का भी और योगेश तिवारी जी का भी, अपना टीम दोस्त के कारण हमारे यहाँ हमारे पास आए। और ये पीछे देख रहे होंगे आप, के एंड बी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, एक बार बता दो। के एंड बी, मैं किरण, बबीता, ये हम दोनों का एक सपना रहा है और आज उस सपने को हमने साथ मिलकर उड़ान दी है। और आप टीचर भी है ना शायद? मैं कॉन्वेंट स्कूल, सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल में टीचर। अच्छा, यहाँ पे हम बच्चों को डिप्लोमा भी देंगे कथक का। हमारी जो क्लास है वो मानपुर सीतापुर तेरहा पे है, लक्ष्मी अपार्टमेंट के पास, तो आप आए और ज्वाइन। और अगर किसी को कोई इंक्वायरी करनी है तो नीचे में एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एक नंबर डाल दूंगा, है ना, उसमें कॉल करके आप पता कर सकते हो कि जो भी अगर लोकेशन पूछनी है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है मैम, धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया, इतना 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 सम्मान दिया, इसकी आदत नहीं मुझे। और योगी भाई ने भी मुझे बुलाया था, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ आने के लिए। इनका भी एक यूट्यूब चैनल है, क्या नाम है? YT Vlogs #योगेश तिवारी। मेरी जो करिए और सब्सक्राइब करिए, धन्यवाद। मेरी जो एंट्री थी जब मैं आया और जितने भी चीजें जो मेरे ब्लॉग में दिखेंगी वो भाई के चैनल में दिख जाएंगी, भाई के ब्लॉग में दिख जाएंगी। तो जो भाई ने क्या चैनल बताया, YT Vlogs, YT Vlogs नाम से जो चैनल है उसको देखना, अब वहाँ पे आप मुझे देख सकते हो ढंग से। थैंक यू सो मच। ठीक है, बाय 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 बाय। अभी डांस एकेडमी से निकलने के बाद में बहुगुड़ा फैमिली से मिलने आ गए थे यहाँ पे। भैया भी एक यूट्यूबर हैं और भाई का आज जन्मदिन भी है। हैप्पी बर्थडे भाई। थैंक यू सो मच। और अभी पार्टी दे दी भाई ने। ये देखो कितना मजे कर रही है। तब मिले थे आप इससे? अच्छा, हाँ, एक बार मैं भैया से और भाभी से ऋषिकेश में मिला था। हाँ। तो आपका चैनल का नाम क्या है? बहुगुणा जी व्लॉग्स। बहुगुणा जी व्लॉग्स, जी लगाना इम्पोर्टेंट है। अभी आपने ड्रोन शॉट्स देखे होंगे, पूरे कोटद्वार के ड्रोन शॉट्स थे, झंडा चौक और ट्रैफिक लाइट जहाँ पे सिद्धबली बाबा है और हॉट एंड कोल्ड है। वो मेरा ड्रोन नहीं था क्योंकि मेरे ड्रोन से इतने रात को अच्छे शॉट्स नहीं आते, वो भाई का ड्रोन था, आपने सुबह देखा होगा योगी भाई को। तो धन्यवाद योगी भाई, थैंक यू सो मच आपका हमें कोटद्वार घुमाने के लिए, सबसे इतना खतरनाक ड्रोन लाने के लिए और आपका ही ये ड्रोन। पर अभी भाई को मैं थोड़ा, अगर आपने आस पास जितनी जगह है हल्का हल्का 5-5 मिनट का मैं दर्शन करा के आ गया वहाँ पे, तो वो सारे दर्शन भाई के ब्लॉग में देख लेना, YT Vlogs। और बाकी यहाँ पे देखो सुबह भी दिखे होंगे बहुत सारे लोग थे। और भाई बढ़िया, टीम UK 15। अब घर जाने का समय हो चुका है अभी हम, अरे वाह। सीधा मुंह पे बन गया। यहाँ दार्जिलिंग में मोमोज खाने आए थे, यहाँ कोटद्वार के बड़े फेमस हैं। चले फिर, चलो फिर।
तो आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। कल रात को पूरी पार्टी से वापस आने के बाद मैं घर आया, मैंने बोला घर में मम्मी आप पापा से बात करूंगा, लेकिन ये दोनों तो सो गए थे। सोना नहीं ना, गिर रहे। और फिर मैंने बोला, फिर मैंने भी चुपचाप खाना खाया, सो गया मैं भी। और अभी सुबह उठा हूँ और सुबह सुबह मुझे पता चला है हम क्यों सो गए थे जल्दी। क्यों सो गए थे? व्रत नहीं था मेरा। ओह सॉरी, हाँ व्रत भी था अम्मी का। और हाँ कल तो व्रत था अम्मी का, और कल हम इनॉग्रेशन में गए और कुछ भी नहीं खाया अम्मी ने, वहाँ इतनी सारी सारी चीजें थी। उसके बाद हमें वो भैया भी मिले, बहुगुड़ा एंड फैमिली, उन्होंने भी पार्टी दी, वहाँ भी अम्मी ने कुछ नहीं खाया। तो कल तो अम्मी के लिए बहुत ही मतलब अच्छा दिन भी था, क्योंकि कल बहुत अच्छी अच्छी चीजें भी हुई, पर कुछ खा भी नहीं पाई अम्मी। फूड लवर हमारी, तो फूड लवर ठीक तो है। मैं हाँ, स्लिम हो गई, स्लिम बहुत स्लिम हो गई। और वो इसलिए स्लिम हो रखी है क्योंकि आज हम जा रहे हैं शादी में, उसी की पैकिंग करनी है। पापा ऑफिस चले गए थे, अब आने वाले होंगे, आने वाले हैं। तो इसलिए देखो जल्दीबाजी हो रही है, आ गई है। तो यहाँ देख सकते हैं मम्मी रेडी भी हो चुकी है। मम्मी मतलब यहीं से रेडी होकर जा रही है क्योंकि आज न्योतेर है, तो रात को वो डायरेक्ट यहीं कपड़े पहनने वाली है। मैं तो नहीं पहन रहा हूँ, मैं तो वहीं पहनूंगा। न्योतेर चालू तो हो गया ये, मतलब शाम को है न्योतेर, तो हम शाम तक ही तो पहुंचेंगे। तो वैसे मैं पूछ रहा था आपसे, आपको लगा कैसा इनॉग्रेशन में, वो कैसा लगा, वो पूछ रहा था। बहुत अच्छा लगा। मैं प्रैक्टिस करने जाऊंगी एक बार, है ना, डांस में ना। चले अब बोल भी रही थी कि मम्मी को भेजना, बाद में उन्होंने बोला था मेरे से। जाऊंगी मैं वहाँ डांस सीखने। सीखने जाओगे? हाँ तो फिर सिखाने जाऊंगी। चलो फिर। तो इसी के साथ अभी फिलहाल इस ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कर देना वीडियो को, और अगर आप नए हो इस चैनल में तो नीचे एक लाल बटन जैसे सब्सक्राइब को उसे दबा देना और मेरे यूट्यूब परिवार के सदस्य बन जाना। और अगर ब्लॉग बंडी अच्छा लगा है, बहुत अच्छा लगा है, तो अपने व्हाट्सएप फैमिली ग्रुप में या फिर फेसबुक में शेयर भी कर देना। तो अब मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।